हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 08604629190 है। मैं ETG आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद के रक्त परीक्षण और आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण का आविष्कारक हूँ और इसकी प्रैक्टिस हमारे यहाँ की जा रही है। आज मैं आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में जानकारी दूंगा और बढ़े हुए प्रोस्टेट से क्या लाभ और हानियाँ होती हैं ये बताऊंगा। धन्यवाद। प्रोस्टेट की ग्रंथि कहाँ पर होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि है, यहाँ पर इस मॉडल के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि है, ये मूत्राशय है और ये पुरुष का लिंग है। ये बीमारी पुरुषों को ही होती है और स्त्रियों में प्रोस्टेट नहीं पाई जाती है, इसलिए ये बीमारी केवल पुरुषों को ही होती है। ये प्रोस्टेट है, ये किडनी से आया हुआ यूरेटर है जो मूत्राशय तक पहुंचा है। मूत्राशय से जो पेशाब की करने वाली नली है वो प्रोस्टेट के साथ ही ये पास होती है और फिर ये बीच से ये लिंग है और यहाँ से फिर ये पेशाब निकल जाता है इधर की तरफ। ये यहाँ पर जो छिद्र है यहाँ से ये निकल जाता है। तो ये प्रोस्टेट जो है वो यहाँ पर स्थित होती है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मूत्राशय के नीचे होती है और इस चित्र में भी आप देखिए, ये प्रोस्टेट है, ये पेशाब की थैली है, ये पेशाब की नलिका आई है, यहाँ से ये हो करके फिर मूत्र ये बाहर चला जाता है। और दूसरे चित्र में आप देखिए, ये दोनों तरफ टेस्टीज हैं, ये टेस्टिकल्स हैं, इनकी ये वीर्य नलिकाएँ आई हुई हैं, इसके साथ निकल जाता है। ये वीर्य को निकालने में भी बड़ा सहायक होती है। तो ये प्रोस्टेट का एरिया है, ये देखिए। और प्रोस्टेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, इसको पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। ये साइज में जब आकार में ये बढ़ जाती है तो फिर इसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, यानी इसमें सूजन आ जाती है। और इसमें जो लक्षण पैदा होते हैं वो पेशाब रुकना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में वीर्य निकलते समय या पेशाब के निकलते समय बड़ा दर्द होना और पाखाना पेशाब करते समय कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा निकल जाना, ये लक्षण पैदा होते हैं। और इसके प्रोस्टेट के दो महत्वपूर्ण काम हैं, वो ये है कि एक तो ये सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा सा पदार्थ पैदा करता है जिसमें शुक्राणु तैरते रहते हैं और उनको इधर से उधर फिसलने में या तैरने में आसानी होती है। दूसरा, ये जो संभोग के समय या संभोग की चरम सीमा में जब वीर्य स्खलन होता है तो प्रोस्टेट के द्वारा जो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है उससे वीर्य के निकलने में आसानी होती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर इसका कोई pH, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, अगर इसका pH कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर
जो शुक्र कीट हैं वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट भी जल्दी होते हैं, इसलिए इससे संबंधित कोई भी बीमारी हो और इनफर्टिलिटी भी ये प्रोड्यूस करता है, यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो भी इससे जो है बाधित होती है। तो प्रोस्टेट एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है और उसके लक्षण पैदा करती है। हर तरह की प्रोस्टेट आयुर्वेदिक और आयुष इलाज करने से अवश्य ठीक होती है और 100% ठीक होती है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। प्रोस्टेट अथवा पौरुष ग्रंथि की बीमारी केवल पुरुषों में ही होती है। यह ग्रंथि एक तरह का पतला सफेद चिपचिपा पदार्थ पैदा करती है जिससे मानव शुक्राणु को बनने में मदद मिलती है। इस पदार्थ के होने से शुक्राणुओं की मोबाइलिटी में मदद मिलती है। अगर प्रोस्टेट में कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो मानव पुरुष को रिप्रोडक्टिव विकार पैदा हो जाते हैं। प्रोस्टेट के आकार के बढ़ जाने का बहुत बेहतर इलाज आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा में मौजूद है। अगर इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद की नई तकनीक के रिपोर्ट और आयुर्वेद के रक्त परीक्षण और आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण के जांच रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है तो ये बीमारी अवश्य ठीक होती है। हमारे रिसर्च संस्थान कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश में सभी तरह की लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। अथवा वो बीमारियां जिनका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है या वो गंभीर बीमारियां जिनको कहा जाता है कि इस तरीके की निदान की गई बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, ऐसी सभी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है, हमारे रिसर्च संस्थान में किया जाता है। आयुर्वेद की आधुनिक तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद के रक्त परीक्षण और आयुर्वेद का मूत्र परीक्षण द्वारा सारे शरीर का परीक्षण किया जाता है और रोग निदान के पश्चात उस विकृति का इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी दवाओं द्वारा तथा पथ्य परहेज और जीवन शैली में परिवर्तन का सुझाव देकर किया जाता है। इलाज प्रोस्टेट लाइलाज बीमारी नहीं है और 100% ठीक होने वाली बीमारी है और इसका इलाज संभव है। अगर कोई डॉक्टर आपको बीमारी को हवा समझाकर भयभीत करे तो बिल्कुल न डरिए और जिस शहर में आप रहते हैं वहीं के किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करिए। आप हमारे यहाँ आकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन आने से पहले डॉक्टर AB वाजपेयी से मोबाइल नंबर 8604629190 पर संपर्क कर लें।